मैं नहीं जानती थी जैन इस तरह हमारे घर आ जाएगा। हम दोनों एक दूसरे को जरूर पसंद करते हैं, लेकिन उसने कहा था कि वो अपने वालदैन को लेकर आएगा। हाँ इसका मैं जानती हूँ, तुम सच बोल रही हो, लेकिन ये कोई तरीका है? माँ बाप के बगैर आ गया रिश्ता लेके? क्या समझता था कि हम चुपचाप निकाह करके तुम्हें रुखसत कर देंगे? क्यों, क्या ऐब है तुम्हें? माँ, हम जानती हैं ना, आप मेरे लिए जो फैसला करेंगे मुझे वही मंजूर होगा। सच पूछो, उसका यूं आके रिश्ता मांगना मुझे बहुत बुरा लगा। उससे अच्छा तो आबिद है, कम से कम जब आता है तो अपनी माँ के साथ तो आता है वो। अम्मा, आप जैन को आबिद से कंपेयर कर रही, आपको लगता है कि जैन आबिद जैसा है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हर चीज का एक तरीका होता है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम इज्जतदार लोग हैं। इसका हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करे। ये कैसे, तुम कैसे सोच सकती हो? ये तो पढ़ी लिखी लड़की हो बेटा। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। जैन को इस तरह मुझसे बात किए बगैर यूं सिर्फ ये कह रही हूँ बेटा, इज्जत कमाने में बहुत देर लगती है, बहुत वक्त लगता है, लेकिन एक पल में चली जाती है इज्जत। जो लड़का अपने माँ बाप का नहीं बना वो कल तुम्हारा क्या बनेगा? सोच के फैसला करना।